नमस्कार दोस्तों, मैं वैष्णवी स्वागत करती हूँ आप सभी का फर्स्ट इंडिया न्यूज वन में। आइए देखते हैं आज की कुछ मुख्य खबरें। आज आजाद अध्यापक शिक्षक संघ टीकमगढ़ ने शिक्षकों सहित कलेक्टरेट स्थित आजाद पार्क पहुंचकर देश के अमर सपूत चंद्रशेखर आजाद जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर उनके जीवन चरित्र पर चर्चा कर उनको याद किया। संघ ने टीकमगढ़ जिले में अध्यापक शिक्षक संवर्ग की अनेक लंबित मांगों का समय पर निराकरण न होने के कारणों पर मंथन किया और तय किया कि यदि समस्याओं के निराकरण करने में जिले में ऐसे ही लेट लतीफी रही और संबंधितों द्वारा समस्याएं को गंभीरता से लेते हुए शीघ्र निराकरण नहीं किया जाता है तो आजाद जी के विचारधारा अपनाते हुए धरना आंदोलन की राह पर चलने संघ मजबूर होगा। जिलाध्यक्ष कप्तान सिंह का कहना है कि जिला शिक्षा अधिकारी के आदेशों के बावजूद भी जिम्मेवारों द्वारा समस्याओं का निराकरण समय सीमा में करने में कोई रुचि नहीं ली जाती है और ऐसे ही लेट लतीफी और लापरवाही की जाती है। हम शिक्षक हैं, हम खुशी से धरना आंदोलन नहीं करना चाहते, लेकिन ऐसी परिस्थिति बना दी जाती है जिससे जी बताए। आज आप लोगों का यहाँ पे क्या कार्यक्रम था? आज गत वर्ष की भांति आज अध्यापक शिक्षक संघ द्वारा महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी चंद्रशेखर आजाद की पुण्यतिथि पर उनको श्रद्धांजलि दी गई और उनके पद चिन्हों पर चलने के लिए सभी ने शपथ ली और हरेक अध्यापक शिक्षक की लंबित मांगों के लिए आज अध्यापक संघर्षरत है और शीघ्र ही क्रमोन्नति जारी करेगा, इसके लिए सभी ने एक कार्य योजना तैयार की।